बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के लिए बड़ा संकट बन गए योगी आदित्यनाथ। अगर बांग्लादेश का इस समय योगी ने नहीं दिया साथ तो खाने पीने के भी हो जाएंगे मोहताज। बांग्लादेश की नई सरकार में भी दिखा योगी का भौकार। मोहम्मद यूनुस भी बोले योगी ही है बांग्लादेश के लिए उपयोगी। जी मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा, अपने देश में तो ख्याति है ही है। अपने देश में तो कई सारे राज्यों के लोग यही बोलते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा। अब तो विदेश के लोग भी बोलने लगे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हुई हिंसा उसके लिए काफी मुसीबत खड़ा कर रही है, और इसी बीच अहम बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश बांग्लादेश का साथ ना दे तो बांग्लादेश को खाने और रहने के लिए मकान तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से सीमेंट, चावल, खेती का सामान, चमड़ा और अन्य छोटे से लेकर बड़ा कच्चा माल तक निर्यात बांग्लादेश किया जाता है। ऐसे में जब से बांग्लादेश में संकट शुरू हुआ है तब से सारा सामान बॉर्डर पर अटका पड़ा है। 700 करोड़ का सामान बॉर्डर पर अटका। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 700 करोड़ रुपए का सामान बॉर्डर पर अटका पड़ा है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है और मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अभी तक हालात सामान नहीं हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से बांग्लादेश में 6000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। इसमें मसालों से लेकर कुकिंग ऑयल, सूती कपड़े, गेहूं, सब्जियां, चीनी और फल भी शामिल है। अब जब ये सामान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बांग्लादेश को तो नुकसान होगा ही, इसके साथ भारत को भी करोड़ों का भुगतान नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस बात से दोनों का नुकसान है, बांग्लादेश का भी और हिंदुस्तान का भी। बांग्लादेश को खाना नहीं मिल पाएगा और हिंदुस्तान को पैसे। मोहम्मद यूनुस ने की शांति बनाए रखने की अपील। वहीं बांग्लादेश में गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने बंग भवन में शपथ ली। मोहम्मद यूनुस ने देश भर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना ने पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश छोड़कर वो भारत में आ गई। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की आवाम के नाम एक अपील जारी करते हुए कहा कि मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं, सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। मोहम्मद यूनुस ने पेरिस से निकलते हुए कहा था कि वो देश में जाकर हालातों का जायजा लेंगे और देखेंगे कि कैसे सभी को संगठित कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को लेकर विपक्षी दलों का रुख क्या होगा, ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में आप बताइए आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में कब तक हालात सामान्य हो पाएंगे, और जो 700 करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को हो रहा है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? यानी खाने पीने के लिए अभी बांग्लादेश पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही निर्भर है। हालांकि योगी अपना काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सारा सामान बांग्लादेश भिजवाया जा रहा है, लेकिन ये सामान बॉर्डर पर ही इस वजह से अटका है क्योंकि बांग्लादेश में अभी हालात सामान नहीं हुए हैं। ये बांग्लादेश की गलती है कि वो हमसे सामान नहीं ले पा रहा। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सामानों को पहले ही रुकवा दें तो बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ जाएं।